ऐसे तो आधे से ज्यादा देश बोलने लग लिया कि परिमल सर पॉलिटिक्स में जाएंगे, परिमल सर पॉलिटिक्स में जाएंगे या परिमल सर पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। आधे से ज्यादा देश बोले बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, आप में जाएगा, इस प्रकार की बातें चलती रहती। मैंने जो कहा समझ में आया? बोलो। बहुत अच्छी बात है। ये अलग अलग चीजों के ऊपर, अलग अलग बातों के ऊपर कुछ कुछ लोग बोलते रहते हैं। मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा और ये पॉलिटिकल प्रोपगेंडा है या नहीं है, मसला ये है कि क्या सीईटी का इश्यू बच्चों का इश्यू है और क्या ये रिजॉल्व होना चाहिए? मसला ये है, नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मसला ये है कि क्या एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बात जो समझ रहे हो? मसला ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मसला ये है कि क्या भर्तियां रेगुलर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये पेपर लीक, अब HSSC का जो है, HCS का पेपर हुआ है तो उसके अंदर घोटाला बन गया, पिछले साल के 32-33 क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट मार दिए। सीईटी का ग्रुप सी का मैं पेपर जा करके वहां डिस्कस करके आया था, सिलेबस डिस्कस करके आया, तो उसमें किसको शिकायत थी? पूरे हरियाणा में किसी के नंबर कम आए चाहे ज्यादा आए, किसी का सिलेक्शन होगा चाहे नहीं होगा, पेपर जब लीक नहीं हुआ तो किसको शिकायत थी? ये तो बस वो क्वालिफाइंग नेचर के ऊपर, ये मामला जो है उन पॉलिसी में गलत है, पॉलिसी के मैटर पर ही गलत है, वरना सिलेक्ट तो ऊपर के एक गुना होने हैं। वो कह रहे हैं चार गुना बुलाएंगे, सब के चार गुना बुलाए जाते तो सही होता, कैटेगरी वाइज चार गुना कर रहे हैं वो भी गलत है, उसमें बुलाए 15,000-20,000 जाएंगे लोग जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पोस्ट ज्यादा बुलाए जाएंगे कम, जिसके ऊपर मैंने उस दिन समझाया भी था तुम्हें। मामला ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और कोई आदमी क्या करेगा व्यक्तिगत जिंदगी, कोई आदमी कुछ भी करे, भर्तियां रेगुलर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जो कंडक्टर के जो एग्जाम को कुछ नहीं किया ना, भर्ती का पता चला, सीधे सिलेक्टेड कैंडिडेट बोले एक क्लिक से इतने लोगों को रोजगार दिया, और एक क्लिक से इतने लोगों को रोजगार दिया तो ये जो न्याय नहीं हुआ, ये अन्याय हुआ। सब लोगों को पता चलना चाहिए था, सबको मौका मिलना चाहिए था, जो सिलेक्ट होते हुए हो जाते। फिर ये कहेंगे बोला जो है बहुत ज्यादा नीड थी, एट ए टाइम जो है वो नहीं रहे थे पूरे, तो 2 साल पहले तुमने क्यों नहीं पूछा भाई, 2 साल में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है पहले बता दो। अब पुलिस की भर्ती नहीं कर रहे तो 2 साल पहले ही पूछ लो ना पुलिस से कि कितने लोग चाहिए तुम्हें 2 साल बाद, डिपार्टमेंट से 2 साल पहले पूछ लो कितने चाहिए। अब सरकार है, व्यवस्थित चीज है, ऐसे थोड़ी खेल चल रहा है, उसके अंदर डाटा है, लगभग इतने परसेंट लोग छोड़ जाते हैं, इतने परसेंट लोग प्रमोट हो जाते हैं, इतने परसेंट लोग जो है रिटायर हो जाएंगे, इतने लोगों की नीड होगी। हाँ या ना? पर सवाल ये है कि क्या किसी का ध्यान वहां है? ध्यान वहां नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि विदेशों में जो डंका बजा दिया, ये कर दिया, तो 5 स्टेट के लोगों को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों ने बैन कर दिया, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है, इनके लोगों को वहां पर वीजा ही नहीं लगेगा। अब कहां गई 56 इंची छाती कि विदेशों में जो भारत की ख्याति का डंका बज रहा है। कितने लोग 2 नंबरी पैमाने पर जो है, जो ये डोंकी और ये सब चीजें लगा करके जा रहे हैं, किसी दिन इसके ऊपर एक्शन हो गया फिर क्या करेंगे ये लोग? किले बेच बेच करके विदेशों में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? यहां रोजगार है ही नहीं कुछ भी। तुम लोगों का पेशेंस सही है, तुम लोग सही पढ़ते जा रहे हो, भाई साल 2 साल बाद नौकरी लगेगी, मैंने तुम लोगों को समझाया, लेकिन जो हमारे पास नहीं पहुंचे उन लोगों को क्या दिख रहा? कुछ भी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम लोगों के पास रोजगार का अवसर नहीं है। मान लिया इन्होंने 4 साल नहीं निकाले तो अब ग्रुप सी में 37,000 या कितने 32,000 लोग है, अब पुलिस वाले और मिलाने के बाद 40,000 लोग हो जाएंगे। अगर इन्होंने हर साल 10,000 लोग लगाए होते तो इनकी इज्जत ज्यादा होती ना, कि हर साल फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा और ज्यादा लगा लो। अब ग्रुप डी के जितने लगाएंगे उतने हर साल बांट बांट के निकालते तो लोगों का ध्यान पढ़ने लिखने और रोजगार की तरफ होता। मान लिया इतने ही लोगों को रोजगार, तो बाकी लोग पढ़ लिख करके जो काबिल लोग बनते हैं ना, वे कुछ ना कुछ और कर लेते हैं।
ये सिस्टम गड़बड़ है। बोला सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, मत दो, जितनी वैकेंसी है उतनी दे दो और फेयर तरीके से दे दो, बाकी तो मांगे नहीं रहे। उन लोगों के उस कंपटीशन में बहुत लोग जो कंपटीशन में बैठते तो लाइकियत अपने आप आ जाती, मेहनत करने की आदत आ जाती है। बाई चांस कोई दो नंबर एक नंबर से रह भी गया तो कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर लेता है। तो मैंने बोला समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब जो है इस प्रकार का सीन है, लोग पढ़ ही नहीं रहे फिर क्या करेंगे। लगेंगे अब 40,000 लोग लगेंगे, कौन क्या कर लेगा? मान लिया इतने दिन नहीं लगे और तुम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ गया, तो जो तुम्हारे पास ज्ञान और तजुर्बा आ गया, ये तजुर्बा कहां से लाओगे तुम और ज्ञान कहां से लाओगे? तुम लोगों को कटाकट प्रमोशन मिलेंगे फिर उसमें। जो इतनी बातें मैंने तुम्हें समझाई ना, तो ये ज्ञान तुम्हारा जिंदगी भर काम आना है।